हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन मैकडीजिया चैनल। दोस्तों, हमने पिछले ट्यूटोरियल में क्यूटी इंस्टॉल करना सीखा था और आज हम क्यूटी क्रिएटर को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डिफरेंस बता दूं क्यूटी और क्यूटी क्रिएटर में। दोस्तों, क्यूटी एक क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है और क्यूटी क्रिएटर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म C++, जावास्क्रिप्ट और QML इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। ये एक एनवायरनमेंट है जो क्यूटी फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है और कोई भी एप्लीकेशन, चाहे वो QML की हो या क्यूटी के विजेट्स एप्लीकेशन हो या बेर C++ की कोई एप्लीकेशन हो, वो सिंपली उस इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट पे डेवलप हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, मैं क्यूटी क्रिएटर खोलता हूँ। हमने पिछली बार क्यूटी डायरेक्ट्री के अंदर क्यूटी इंस्टॉल की थी, तो यहाँ पर पहले ही क्यूटी क्रिएटर का ऑप्शन है। अगर आप विंडोज़ पर इसे यूज़ करें तो डेस्कटॉप पर जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है तो या तो उसके जो उसके डेस्कटॉप पर उसका आइकन आ जाता है, आप उस पर डबल क्लिक करके भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ और ये ट्यूटोरियल मैक पे बनाया है, तो मैं इसे इस डायरेक्टरी के अंदर क्यूटी आइकन को डबल क्लिक किया मैंने और ये क्यूटी आईडी क्यूटी क्रिएटर ओपन हो गया है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले वेलकम मोड है और इस वेलकम मोड के अंदर 3 से 4 ऑप्शन हैं। पहला है प्रोजेक्ट, एग्जांपल, ट्यूटोरियल्स एंड गेट स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट्स के बारे में जाने। अगर हमें कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है या कोई ऑलरेडी बना हुआ प्रोजेक्ट ओपन करना है, तब हम इस टैब को यूज़ करेंगे। हम इस पर बाद में आएंगे, पहले हम एग्जाम्पल्स देख लें। दोस्तों, अगर आपको कोई ट्यूटोरियल चाहिए या वीडियो चाहिए या फिर कोई सैम्पल कोड चाहिए तो आपको इस टैब में मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे कैलेंडर लेता हूँ कि किस तरीके से कैलेंडर हमें बनाना है। ये देखिए कैलेंडर एग्जांपल। जब आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये बाहर इसका पूरा मैनुअल खुल के आ जाएगा और इसके साथ साथ में वो प्रोजेक्ट IDE पे लोड हो जाएगा। देखिए, कन्फिगर प्रोजेक्ट करते हैं और देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो रहा है। ये देखिए, ये इसकी हेडर्स और ये इसकी सोर्स। मैं ये बाद में आपको समझाऊंगा, लेकिन अगर आपको कोई भी सैंपल लेना है या फिर कोई सैंपल का रेफरेंस लेना है तो आप यहाँ पर से इस टैब में उसको सर्च कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और उसका कोड आप पर डबल क्लिक करने पर क्यूटी आईडी में ओपन हो जाएगा। अब आ जाते हैं ट्यूटोरियल्स में। ट्यूटोरियल्स में यहाँ पर क्यूटी एप्लीकेशन और QML, इन दोनों के ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होंगे। क्यूटी के लिए जैसे आपको क्यूटी मोबाइल की एप्लीकेशन है, क्यूटी क्विक एप्लीकेशन है या विजेट्स एप्लीकेशन है, जो कि हम आगे करेंगे। क्यूटी विजेट्स और क्यूटी विजेट्स के जो ये ट्यूटोरियल्स हैं वो क्यूटी के हैं, तो क्यूटी विजेट बेस्ड एप्लीकेशन अगर हमें बनानी है तो उसके ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे और उनके वीडियोज़ मिल जाएंगे। कोई कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसके वीडियोज़ भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ये देखिए, और इसी के साथ साथ अगर आपको किसी क्लास के मैनुअल का रेफरेंस लेना है, उसके पब्लिक फंक्शंस और प्राइवेट फंक्शंस के बारे में जानना है, तो आप यहाँ पे जान सकते हैं। यहाँ पे आप उसे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इंडेक्स में जाता हूँ और मुझे क्यूटी की एक क्लास है क्यू डिबग, उसके बारे में जानना है। ये देखिए क्यू डिबग, इस पर डबल क्लिक कीजिए। ये देखिए पूरी क्लास का मैनुअल यहाँ पर ओपन हो गया है। मोर में जाएंगे, हम इसे पढ़ सकते हैं, उसके पब्लिक फंक्शंस के बारे में, जैसे मेंबर फंक्शंस उसके कौन कौन से हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हैं कंप्लीट। ये देखिए, इस क्लास के हर एक चीज़ को हम पढ़ सकते हैं और उसके सैंपल्स भी दिए गए हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, अभी तक का मुझे सबसे बेहतरीन अगर कोई ट्यूटोरियल लगा है, कोई इंटरफेस आईडी ट्यूटोरियल लगा है, तो क्यूटी का लगा है, क्योंकि ये क्यूटी क्रिएटर ही अपने आप में सब कुछ है। एक ट्यूटोरियल, सैम्पल कोड्स और कह सकते हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म दे देता है डिफरेंट, जैसे बेर C++ पे आपको काम करना है या एंड्रॉयड की कोई एप्लीकेशन बनानी है या मैक की, iOS की कोई एप्लीकेशन बनानी है, तो ये आईडी आपको सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। चलिए दोस्तों, मैं इस प्रोजेक्ट को अभी क्लोज करता हूँ और हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट टैब के अंदर, जहाँ पर हमें नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें अगर कोई एप्लीकेशन बनानी है तो हम यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे क्यूटी विजिट एप्लीकेशन, क्यूटी कंसोल एप्लीकेशन, क्यूटी क्विक एप्लीकेशन। मैं इस चीज़ के बारे में आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों, इसके डिफरेंस के बारे में। अभी हम मेनली दो चीज़ों पे फोकस करेंगे, एक क्यूटी विजिट एप्लीकेशन और एक क्यूटी कंसोल एप्लीकेशन, राइट।
अगर आपको कोई लाइब्रेरी क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आप लाइब्रेरी के ऑप्शन है। अगर आपको बेयर सी प्लस प्लस की कोई लाइब्रेरी बनानी है तो ये ऑप्शन है। क्विक टू एक्सटेंशन की कोई प्लगइन बनानी है तो ये, और क्यूटी क्रिएटर की कोई प्लगइन बनानी है तो ये थर्ड को आप चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। अदर प्रोजेक्ट्स में आ गया, जैसे कोई टेस्ट प्रोग्राम बनाना है क्यूटी का तो ये रहा। क्यूटी कस्टम डिज़ाइनर विजिट कोई बनानी है, मतलब अगर इसकी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डिज़ाइनर विजिट्स हैं लेकिन अगर आपको अपने लिए अपने मुताबिक की कोई एप्लीकेशंस बनानी है, कोई विजिट डिज़ाइनर विजिट बनानी है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे उस पर काम कर सकते हैं। क्यूटी क्विक यूआई प्रोटोटाइप, ऑटो टेस्ट प्रोजेक्ट, सब डायरेक्टरी प्रोजेक्ट्स, एम्प्टी क्यूटी क्यू मेक प्रोजेक्ट्स, कोड स्निपेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेकिन अभी हम इसको अभी हम मेनली फोकस एक एप्लीकेशन पे अभी करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम डेफिनेटली जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम सीरीज़ में जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम करते जाएंगे, राइट। अब अगर आपको पेयर नॉन क्यूटी प्रोजेक्ट्स के अंदर जैसे प्लेन सी की एप्लीकेशन बनानी है या सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन बनानी है तो यहाँ पे इस टैब का ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। और आप अगर अपने किसी प्रोजेक्ट को किसी रिपोजिटरी से लोड करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर क्यूटी में कुछ बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे बाजार क्लोन, जेड क्लोन, मर्क्यूरी क्लोन, सबवर्जन चेकआउट और सीएसवी चेकआउट। इसी के साथ साथ अगर आपका कोई और प्रोजेक्ट जिसमें कि क्यूमेक, सीमेक या ऑटो टूल्स यूज़ नहीं है तो आप इस पे लोड इस ऑप्शन के थ्रू आप अगर इसे लोड करते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो ये उस उन प्रोजेक्ट के लिए डॉट प्रो फाइल क्रिएट कर देगा जिससे कि आप इस क्यूटी क्रिएटर पर उसे कंपाइल कर सकते हैं और डिबग कर सकते हैं। आशा करता हूँ अभी तक मैंने जितनी चीज़ें आपको समझाई हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूटी कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे और एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाएंगे। अगर आपको इन वीडियोस से रिलेटेड कोई क्वेरी या सजेशंस हैं तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी उनको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जिनको क्यूटी के ट्यूटोरियल्स की रिक्वायरमेंट है, जो सीखना चाहते हैं, उन्हें इस वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।